नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा दसवीं के गणित भाग एक मीन्स अलजेब्रा, इसमें दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का प्रश्न संग्रह 1.1 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों 1.1 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक पार्ट देख लेते हैं कि बेसिक पार्ट में हमको दिया क्या क्या गया है। ये है लेसन नंबर 1, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। उसमें यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, आओ सीखे, मतलब हम लोग इस लेसन में क्या क्या सीखने वाले हैं। उसमें से पहला है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने की विधि, मतलब दो चरांक वाले अगर रेखीय समीकरण है तो उसको कौन कौन सी विधि से हल किया जा सकता है। आलेख विधि दिया गया, क्रेमर का नियम दिया गया, और दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण, मतलब जो समीकरण दिया गया उसको किस तरीके से हम रूपांतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट दिया गया है युगपत रेखीय समीकरण का उपयोजन, उसका हमको किस तरीके से हम उसको अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा याद करो लिखा हुआ है, तो थोड़ा याद करो का मीन्स क्या हो गया कि हम लोग नवी में क्या क्या पढ़े थे, तो उसमें क्या दिया गया, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दिया गया तुम्हारे बुक में। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, उस समीकरण को दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। तो ये जो आया है, ये चरांक का मतलब क्या हो गया, ये चरांकों का मतलब क्या हो गया। चरांक का मतलब होता है यक्स, वाय, जेड, ये सब जो है ये क्या है, चरांक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, रेखीय समीकरण क्या बनेगा, जिसमें दो चरांक होते हैं, जिसमें दो चरांक होते हैं और जो चरांक है यक्स का पावर, यक्स का जो घात है वो क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए, वन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वन के ऊपर हुआ तो वो रेखीय समीकरण नहीं होगा और उसमें कम से कम दो चरांक होने चाहिए। पिछली कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ax plus by plus c equal to 0 यह दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है, मतलब इस फॉर्म में दिया जाएगा ax plus by plus c equal to 0 तो ही वह रेखीय समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, a b और c इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए। तथा ए और बी एक ही समय में शून्य नहीं होने चाहिए। इसका उदाहरण दिया गया 3x = 4y - 12। तो अभी देखो इसको इस फॉर्म में लिखना है ax plus by plus c में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3x - 4y + 12 = 0। ये कहाँ से है, देखो ये 4y है, इक्वल की साइड गया तो -4y आ जाएगा, यहाँ पे -12 है तो यहाँ पे जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3x - 4y + 12 = 0 ये सामान्य स्वरूप है। अभी हमको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए कि तो यहाँ पे रेखीय समीकरण है या नहीं है। पहले में क्या दिया है, 4m + 3n = 12। अब यहाँ पे है या नहीं है, है, क्योंकि यहाँ पे देखो m है, n है, दो चरांक तो मिल गए और इसका पावर भी कितना है, 1 है, तो ये है। अब यहाँ पे देखोगे दूसरे में 3x² - 7y = 13, तो यहाँ पे देखोगे ये स्क्वायर दिया गया है, मतलब यहाँ पे x है, y है, तो चरांक तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका पावर 2 दे दिया गया, इसका घात जो है 2 दे दिया गया। हमको घात कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये क्या आएगा, नहीं। इसके बाद में यहाँ पे तीसरे में देखोगे करणी में 2x - करणी में 5y = 16, तो यहाँ पे भी देखोगे तो यक्स दिया गया है और वाई दिया गया, ये तो है, दो चरांक हो गए, इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, ये है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 0x + 6y - 3 = 0, तो यहाँ पे देखोगे यक्स है और वाई है, इसका पावर भी 1 है लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू में से कोई एक यहाँ पे 0 आ गया है, तो ये नहीं होगा, ये है हमारा, नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे भी देखोगे तो यक्स है और वाई है, तो इसकी ये दोनों का पावर तो क्या हो गया, 1 है, लेकिन यहाँ पे वाई की वैल्यू जो 0 दे दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा, नहीं है।
उसके बाद में है 4/x + 5/y = 0। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 4 और 5 निकाल देते हैं तो ये क्या बचता है, 1/x। 1/x क्या हो जाएगा, x का पावर -1 होता है। तो जब यहाँ पे x का पावर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, -1 में है। तो x का पावर जो है, x का जो घात है वो -1 में है। जब -1 में होगा तब वो नहीं होगा, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे साथ में देखोगे क्या दिया गया, 4xy - 5y - 8 = 0। यहाँ पे भी देखोगे x का पावर 1 और y का पावर 1 और y का पावर 1। तो यहाँ पे ये सूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 1, 1, 2 हो जाता है। यहाँ पे x का, यहाँ पे इसके चरांक का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, युगपत रेखीय समीकरण, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरणों का युगपत समीकरण कहते हैं। जब दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण एक ही समय पर हम उसको हल करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने एक चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का अध्ययन किया, उनका संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है, तुमको यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया, 5x - 3y = 8, और दूसरे समीकरण में क्या दिया गया, 3x + y = 2। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 5x - 3y = 8 दिया गया और 3x + y = 2 दिया गया। ये देखो, ये पहला समीकरण लिख दिया, ये दूसरा समीकरण लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है सेम नंबर होनी चाहिए और अपोजिट साइन होनी चाहिए। अपोजिट साइन होनी चाहिए मतलब अपोजिट चिन्ह होना चाहिए। अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए और सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे इसमें तो दोनों में प्लस है, और यहाँ पे देखोगे एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग इसको ही कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अपोजिट साइन तो है, अलग चिन्ह तो है, प्लस का माइनस है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है और वाई वाई भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे। तो यहाँ पे देखो एक लिखा है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पे, तो क्या हो जाएगा, 3 * 3 = 9x, 3y + 3 = 6। तो ये समीकरण नंबर क्या बना, 3 बना, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने बनाया था और ये 2 का 3 में कन्वर्ट हो गया, ये 2 का 3 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे फिर से चेक करो, समीकरण 3 और समीकरण 1 में सेम नंबर और अपोजिट साइन मिल रहा है क्या। यहाँ पे देखो 3y सेम नंबर हो गया, अपोजिट साइन प्लस माइनस है, मिल रहा है। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जोड़ देंगे। सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो उसको हम लोग घटाएंगे। ये इसको हम लोग आगे सॉल्व करते समय समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, समीकरण नंबर 1 लिखा, यहाँ पे लिख लो चाहिए तो समीकरण नंबर 1, और ये आ गया तुम्हारा समीकरण नंबर 3। तो ये देखो, अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो -3y + 3y तो कैंसिल हो जाएगा और 5x + 9x = 8, 6, 14। तो यहाँ पे देखोगे क्या आ गया, 14x = 14। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे गुणा हो रहा है, 14x = 14 में गुणा हो रहा है। तो 14 में अगर x का गुणा हो रहा है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू जो 1 आई है उसको हम लोग समीकरण 2 में रखो, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 3 में रखो, जितने भी समीकरण इसमें बनेंगे आप लोग किसी में भी समीकरण में भी रख दिया तो भी आपका आंसर आना ही आना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + y = 2, क्योंकि यहाँ पे इसने समीकरण 2 में रखा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 में x की वैल्यू पुट किया 1 और y वैसे ही लिखा = 2। तो ये हो जाएगा 3 में 1 का गुणा हुआ 3 + y = 2। तो यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है तो सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2 वैसे ही है, y वैसे ही है, = -3। तो 2 - 3 कितना होता है, -1। x की वैल्यू = 1 और y की वैल्यू आ गई -1। यही तुम्हारा हल हो गया। हम लोगों ने इसको एक विधि से किया, ठीक है। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरे विधि से भी हल करेंगे तो भी हमारा आंसर आने वाला है। देखो, सवाल हमने सेम लिखा और यहाँ पे भी देखोगे उसका आंसर भी सेम है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये भी हमारा सेम आया है।
तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया तो हमको क्या देखना पड़ेगा मालूम है कि कोई भी एक जो है उसका चरांक दिया रहे और उसमें गुणांक ना दिया रहे, जैसे यहाँ पे 4, 5 या 1, 1, 2 ये सब नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल है, सिर्फ चरांक दिया गया, तो चरांक का क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 के चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 3x + y = 2, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं चलेगा 2 - 3x, कैसे आया ये y को y लिखा = 2 और ये +3x है, इस साइड जाएगा तो -3x हो जाएगा, यही हो गया। तो ये हो जाएगा y = 2 - 3x, ये बना समीकरण नंबर 3। अब देखो y की वैल्यू जो है ये 2 - 3x, इसको समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि ये 2 से निकला है, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या जाएगा 5x - 3y = 8। तो ये देखो y की वैल्यू जो है, तो यहाँ पे y है, y की जगह पे हमको क्या रखना है 2 - 3x, देखो y की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 - 3x, और बाकी सब सेम है, 5x भी सेम है, माइनस भी सेम है, ये 3 भी सेम है, सिर्फ y की वैल्यू चेंज करनी है, y की जगह पे क्या रखना है 2 - 3x = 8। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 2 से, 3 का मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9x, और यहाँ पे ध्यान दोगे ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है = 8। तो ये हो जाएगा 5x + 9x, 5×9 = 14x, -6 = 8। तो यहाँ पे सेम यही लिखा 14x - 6 = 8। अब यहाँ पे देखोगे -6 है, इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 8×6 कितना जाएगा 14, और यहाँ पे 14x है, तो अब यहाँ पे भी वैसे ही करोगे 14x = 14 है, तो ये गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग होगा 14/14, तो ये कैंसिल हो गया 1, x का वैल्यू आ गया है, x की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने क्या किया है 3 में रखा है, x बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है y = 2 - 3x। तो यहाँ पे y वैसे लिखा, इक्वल वैसे लिखा, 2 वैसे लिखा, सिर्फ x के जगह पे क्या किया है 1 पुट कर दिया है, तो 3 × 1 = 3 और ये 2 आया, तो 2 - 3 - 1 वही आंसर आता है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, किस में भी आप रखो आपका आंसर आ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया गया है, इसको हल करो। अभी देखो इसको हमको खुद से हल करके इसको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया, इसको हमको फिल करना है। यहाँ पे क्या है देखो 3x + 2y = 29 दिया गया है, और ये हो जाएगा 5x - y = 18 दिया गया। कभी भी आप लोग याद रखना, जब भी आपको इस तरीके से एक्टिविटी दिया रहेगा तो आप लोग पूरा पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद में एक्टिविटी में भरना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + 2y = 29, ये क्या दिया गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या दिया गया 5x - y = 18 समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं, देखो सेम नंबर और अपोजिट साइन चाहिए, मैंने पहले ही बताया था ये, तो यहाँ पे देखो कि अपोजिट साइन है लेकिन सेम नंबर नहीं है, जब सेम नंबर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10x ना, 5 × 10x - 2 × 2y = 18 × 36। तो इसको यहाँ पे फिल कर लो, तो यहाँ पे देखो ये लिखा भी है कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करो, इसमें भी 2 से गुणा करो और इसमें भी 2 से गुणा करो, तो ये क्या जाएगा 5 × 10x - 2y = 18 × 36, ये बना तुम्हारा समीकरण नंबर 3। यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 3 निकाला था, ये 3 आ गया ना हमारा, तो समीकरण नंबर 1 बचा है, ये हो जाएगा 3x + 2y = 29, जैसा हम लोग ने उदाहरण नंबर 1 का किया था। अब यहाँ पे देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन आई है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 13x, इसको जोड़ेंगे ना हम, सेम नंबर अपोजिट साइन पे क्या करते हैं जोड़ने पर, तो 10 × 3 = 13x और ये हो जाएगा 9×6 = 15 और 3×2 = 5 = 6 = 65 आ गया, तो ये हो जाएगा, अब देखो कि 13 से गुणा हो रहा है तो ये जाएगा यहाँ पे 65/13, तो ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम में कैंसिल हुआ 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा x = 5, ये हमारा आया x की वैल्यू। तो हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 जोड़ने पर, तो यहाँ पे 3x + 2y
बराबर 29। ये समीकरण नंबर एक है। और समीकरण नंबर तीन हमारा क्या आया है, यहाँ पे आया है 10x-2y बराबर 36। तो यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, तो 10 3 13x और यहाँ पे आ जाएगा 65। तो ये इसको देखो, यहाँ पे ये स्टेप आया और x की वैल्यू आ गई 5। अब इसको आगे कैसे करेंगे, अब आगे इसको ऐसे करेंगे, x बराबर 5 जो है समीकरण एक में रखो, दो में रखो, तीन में रखो। ये जो सवाल है मैं आपको इस पे करके दिखा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में इसका बुक भी ओपन करके रखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो x बराबर 5, इस मान को समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखना है, 5 रखना है। फिर देखो अगर तीन में x की वैल्यू 5 रख दिया प्लस 2y = 29, तो 3 5 15 और यहाँ पे प्लस 2y = 29। तो देखो 2y वैसे ही लिखा और 29 इधर लिखा, ये प्लस 15 है, इस साइड गया तो -15। यहाँ पे 29 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, y की वैल्यू पूछा है, लेकिन हमारे पास क्या है, 2y की वैल्यू है, तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो y = क्या हो जाएगा, 14/2। तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो ये x की वैल्यू कितनी आई थी, 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। इस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 3x + 2y = 29 दिया गया समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर दो दिया गया है, सेम नंबर अपोजिट साइन देखना है, जब सेम नंबर अपोजिट साइन में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अपोजिट साइन तो था लेकिन सेम नंबर नहीं था, तो सेम नंबर लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। जब 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और 10 3 13x = 65, इसको x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद में x की वैल्यू जो है समीकरण नंबर एक में रखने पर, समीकरण एक में इस तरीके से रख करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या दिया गया, 15x + 17y = 21 और 17x + 15y = 11। तो अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर एक हो गया, समीकरण नंबर दो हो गया, लेकिन जब इस तरीके का सवाल दिया रहेगा, या तो देखो यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन करने के लिए आपको बहुत गुणा करना पड़ेगा। इसमें अगर हम गुणा करके करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में 15 से गुणा करना पड़ेगा और समीकरण दो में 17 से गुणा करना पड़ेगा, तब जा करके सेम नंबर आएगा। तो ऐसा ना करते हुए अब हम लोग को एक नया ट्रिक यूज करना है। इन दो समीकरणों में x और y के गुणांकों का स्थान परस्पर परिवर्तित है। तो अब परस्पर परिवर्तित का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये 15x है, यहाँ पे 15y दे दिया गया, यहाँ पे 17y है, यहाँ पे 17x दे दिया गया, मतलब ये उल्टा दे दिया गया। इस प्रकार के युगपत समीकरणों को हल करते समय दोनों समीकरणों को जोड़ने और घटाने पर दो नए आसान समीकरण प्राप्त होते हैं। इन दोनों समीकरणों का हल सरलता से प्राप्त होता है। तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसी समीकरण को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो तुम्हारा ये सॉल्व बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद में जैसा हम लोग ने उदाहरण वन किया, उदाहरण टू किया, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको जोड़ते हैं, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, देखो 15x + 17x = 32x, 17y और 15y = 32y, और ये कितना हो गया, ये दोनों को भी जोड़ा तो 32 आ गया। तो अगर हम इसमें 32 से भाग दे देते, 32 से भाग देने पर, जब 32 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 32x + 32y = 32। तो 32 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद में ये 32 से ये 32 कटा, ये 32 से ये 32 कटा, ये 32 से ये 32 कटा, यहाँ पे आया 1, ये क्या आ जाएगा, x + y = 1। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा बना समीकरण नंबर 3। इस तरीके से करना है, एक बार हमने इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो x + y = 1 आ गया। फिर समीकरण एक में समीकरण दो घटाने पर, तो समीकरण एक क्या है, 15x + 17y = 21, ये क्या था हमारा समीकरण नंबर एक, और समीकरण नंबर दो क्या था, 17x + 15y = 11, ये समीकरण नंबर दो था। अब अगर हम इसको देखो, ये घटाना का ये जो चिन्ह लगा है, ये दो दो चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था, इसको इसको यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि घटाने पर, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो घटाने पर हरदम क्या होता है, आप लोगों को पता है कि घटाने पर सबका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे +17 था तो -17 हो गया, फिर प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया,
15 में से 17 माइनस हुआ तो माइनस 2x, 17 में से 15 माइनस हुआ तो प्लस 2y, और 21 में से 11 माइनस हुआ तो 10। तो यहाँ पे देखो कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे 10 है, तो 2 तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 है। तो 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में 2 से अगर हमने भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 5। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो समीकरण 3 तथा 4 को फिर से जोड़ने पर, मतलब ये जो है, ये यहाँ पे एक समीकरण मिला और यहाँ पे एक समीकरण मिला, ये दोनों समीकरण जो है आसान समीकरण है। जितना भी हमारा हार्ड समीकरण था उसको हमने आसान बनाया। अब जैसा हम लोग ने उदाहरण 1 में किया था, उदाहरण 2 में किया था, वैसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या आया, समीकरण नंबर 3, और ये आया समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे भी देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे सेम नंबर है, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो अपोजिट साइन हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 2y इक्वल टू 6। देखो y 2y और यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे किया गया है इसको, ये कैंसिल करके 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। कैसे आएगी, यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6/2, तो ये आएगा 3। y बराबर 3, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तुम यहाँ पे देखो हमने कितना समीकरण बनाया, हमारे पास टोटल 4 समीकरण है, 4 में से आप किसी में भी रखोगे तो आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो 3 है, ये समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये है समीकरण 3, x प्लस y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू 3 और यहाँ पे आया 1, तो ये जो है प्लस 3 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 2, यहाँ पे देखो माइनस 2 और ये 3, ये यहाँ पे आया 3। तो ये समीकरण का हल है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट कम्प्लीट हुआ। हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।